रायपुर से लॉकडाउन लगने से पहले फुटकर सब्जी विक्रेता मनमाने रेट पर सब्जियां बेच रहे हैं। जहां टमाटर के दाम 120 रुपए किलो तक बिक रहे हैं, वहीं अन्य सब्जियों के दामों में भी 3 से 4 गुना ऊंची कीमतों पर बेचे जा रहे हैं। सब्जी मंडी अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी ने बताया है कि कोरोना के चलते जब से लॉकडाउन का अनाउंस हुआ था, इसका पूरा फायदा फुटकर व्यापारी उठा रहे हैं। सब्जी विक्रेता कल्पेश ने बताया है कि ज्यादातर सब्जियां 100 से 120 रुपए के दाम में बेची जा रही हैं। अभी कम से कम 700-800 रुपए का सब्जी ली है। आलू जो मैंने परसों 40 रुपए किलो के भाव से लिए थे, आज 50 रुपए किलो के भाव से लिए हैं। और टमाटर आज मैंने 60 रुपए केजी के हिसाब से लिए। बाकी सब्जियां भी 80 रुपए, 100 रुपए, 120 रुपए केजी तक की बिक रही है। कुछ कुछ आइटम तो 3 गुना 4 गुना है, कुछ ऐसा है कि डबल है, लेकिन कम से कम मतलब डबल से कम नहीं है। 2 दिनों पहले की अपेक्षा में देखें तो कहीं ऐसा नहीं है कि रेट सस्ते हैं, जबकि इनको ऐसा है कि शाम तक का मार्केट है, उसके बाद में लॉकडाउन हो जाए, खराब हो जाना है, लेकिन अभी वो रेट पूरे डबल तिबल चौबल बोल रहे हैं। लॉकडाउन के चलते सब्जियां जो है महंगी हुई है। अभी 3 दिन पहले जो करेला 20 रुपये पाव था, आज 40 रुपये पाव। धनिया पत्ती जो 30 रुपये की पाव थी, आज 300 रुपये किलो है। हर चीज के रेट डबल तिबल हो गए। लॉकडाउन जब से अनाउंस हुआ है, 1 हफ्ते का लॉकडाउन है, तो इसका एक प्रकार से लूट मचा रखा है चिल्लर वालों ने। मैं आपको बताता हूँ, थोक में आज टमाटर 35 से 40 रुपए किलो बेहतरीन टमाटर बिका है, लेकिन शायद रिटेल में 80 से 100 रुपए, 120 रुपए तक ही बेचने की शिकायत है।